तेरा क्या बिगाड़ है राधा? क्यों मैं बच रहा है? जो वो सारे गावाने जल्दी से मार रहे थे, उसी खामोशी का बदला मैं रोज आशी के खुद देखता। और अब इसे भी लाइन छोड़ूंगी, बाहर डालूंगी इसे भी। बाबा बाबा कुछ कीजिए, मैं और एक बहू नहीं खोना चाहती बाबा। इसकी हिम्मत है, इसकी हिम्मत है जो मुझे रोकेगा। मैं जाऊंगी और इसे भी अपने साथ लेके जाऊंगी। को भगाने के लिए पेड़ को तो काटना ही पड़ेगा। तो काटे? अरे भाई रुको, ये अच्छे खासे हरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? दिखता नहीं आम का पेड़ है? होगा बाबा ने कहा है, शाकचुन्नी को अगर गांव से भगाना है तो सारे आम के पेड़ों को काट दो। ए इतने क्या हो, चलो काटो। अरे हेलो केडी सर, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप जल्दी से मलकपुर पहुंचे। तो ये लोग पेड़ों को काट रहे हैं। बात तू कभी नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि मैं तेरे इस बसेरे को ही उजाड़ने जा रहा हूं। रुक जाओ, वो पता नहीं इस स्वस्थ वृक्ष को काटना अपराध है कानूनन? वो होगा पापा, उस चुड़ैल राधा की शाकचुन्नी, उसे भगाने के लिए ये पेड़ काट रहे पाठक साहब। शाकचुन्नी ब्रह्म मात्र है, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविकता। अच्छा पूछ इससे, मरते मरते बची है ये बताएगी कि शाकचुन्नी होती है या नहीं। क्या हुआ था आपके साथ? सर वो मैं रात को अचार पैक कर रही थी। आप एक कार्य अकेली कर रही थी या आपकी सास भी? नहीं नहीं सर, मेरी सासू माँ को सरसों के तेल से एलर्जी है, तो वो इस काम से दूर ही रहती है। ये काम तो मैं अकेले ही कर रही थी। कौन है इतनी रात को? क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं, वो शायद तो मैं अपने कमरे में थी। आप सब लोग यहाँ ऐसे क्या हुआ है मुझे? अगर होश आया तो ये सब बता रहे कि राधा की शाकचुन्नी मेरे अंदर घुस गई थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपकी अदालत में पहले ही कह दिया था, वो शाकचुन्नी राधा अपना नया शिकार ढूंढ रही है। काल भैरव ने इस बार तो बचा लिया, लेकिन शाकचुन्नी राधा को मार देना आसान काम नहीं है। काटने तो मुझे इस पेड़ को, वो शाकचुन्नी राधा यहीं रहती है। ये मैं अदालत से ऑर्डर लेकर आया, जो भी यहाँ एक भी पेड़ काटेगा तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
तो आप लोग सोच लीजिए क्या करना है, पेड़ को छोड़ना है या गिरफ्तार होना है। रहने दीजिए भोगा बाबा, हमें नहीं जाना है जेल। आप इतनी जल्दी कोर्ट का ऑर्डर कैसे लेकर आ गए? कोर्ट का ऑर्डर नहीं, चिट्ठी मैंने खुद टाइप की थी। चल मानिकपुर पुलिस स्टेशन जाना। मेरा क्या दादा ना रानी हमारा होगा। क्या बात है बोस साहब, मतलब कभी ताश कभी कैरम, आयकर भरने वाले लोगों के पैसों पर अच्छा ही चल रहा है आपका जीवन। अरे आइए आइए पाठक बाबू, इसे भाषण देने आ गए। बाप को कौन भाषण दे सकता है, मैं तो अपने काम के लिए आया। आशी के कक्ष से जो चुनरी पाई गई थी वो देखना है। अरे पाठक साहब, बड़ी कमाल की बात हो, जब राधा की चिता जली थी तो हम भी उधर थे और हमने अपनी आंखों के सामने उस चुनरी को जलते हुए देखा था और फिर वही चुनरी वापस। हमें लग रहा है कि निशांत निर्दोष और आशी का गला उसी की शाख चुनी राधा ने दबाया। वो साहब आप अपनी बुद्धि को क्यों ढकेल रहे हैं, छोड़िए ना, मंगवाइए जरा चुनरी। अरे इसमें क्या ढूंढ रहे हैं आप? इस समय तो मुझे यही जानना है कि ये चुनरी बनाई किसने, तो इस पर कोई दर्जी का लेबल नहीं लगा हुआ। आप ये बताइए बोस साहब मुझे कि यहाँ आसपास इस इलाके में कितने दर्जी की दुकान हो। अरे दुकानें कितनी भी, आप क्या करेंगे जान के? अरे यार राधा की चुनरी राधा जाने ना। ऐसा नहीं है बोस साहब, क्या है कि राधा पर जब डाकुओं ने हमला किया उसके 3 महीने पश्चात वो गांव लौटी और कहानी ये है कि गांव वालों ने उसे प्रेतनी समझकर उसे मारा पीटा, उसकी हत्या की और आप ही ने बोला था कि उसे जला दिया था चुनरी समेत। तो अगर चुनरी जल गई थी फिर ये चुनरी देखिए, इस पर कोई दाग नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल नई जैसी, तो स्पष्ट है कि किसी ने बनाया है। और पाटिना बोंडा केरी बाड़े ने कहां फंसा दिया? मासी जी, मासी जी गौर से देखकर बताइए कि क्या इस चुनरी की सिलाई आपकी दुकान में हुई है? ना दादा, हमारे यहाँ चुनरी की सिलाई नहीं होती, हमारे यहाँ जेंट्स का कापूड़ी बनता है। शुक्रिया, चलो सर। पापा फिर साइन कीजिएगा। जी क्या है ये? कुछ नहीं, ग्राम सभा की मेंबरशिप का फॉर्म है। लेकिन हमें तो उसका मेंबर नहीं बनना है। ठीक है फिर मैं इसको नहीं जमा करूंगा। इधर लाओ। दुर्गा कुछ लॉक के कागजात नलायक अपने पाप को धोखा देता है, गलती से साइन करवाता है। क्या हुआ? ऐसा दिन दिखाने से पहले भगवान ने हमें मार क्यों नहीं दिया? मास्टर जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चुनरी किस दर्जी ने बनाई है। मैंने तो नहीं बनाया लेकिन इसकी सिलाई देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये काम किसने किया है। किसने? ये देखिए, एक टांके और दूसरे टांके के बीच में जो फासला है ना, ऐसा चालू छाप काम करने वाला पूरे मल्लिकपुर में एक ही दर्जी है जिसका नाम है करीम खान कटोरा। ये चुनरी तुमने सी है? देखो। याद नहीं आ रहा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हम जाने हैं कि ये चुनरी का ऑर्डर दिया किसने। अब इतना जेहन में कौन याद रखता है, हमने तो कपड़ा सिया और बस। हमारा ना जवान फिर गए, याद करो नहीं तो पढ़ना नहीं याद रहते। अभी बताता हूँ सर, बताता हूँ। जी रहा साहब, 13 सितंबर को ऑर्डर हुआ था। अरे ऑर्डर किया किसने? आशी दत्ता।
हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, आशी जी शाम में आई थी मेरी दुकान पर। भैया मुझे एक चुनरी बनवानी है, नीचे राधा लिखा होना चाहिए और उसके ऊपर छोटी सी बांसुरी। अरे ऐसी चुनरी तो मैंने पहले भी बनाई उस राधा के लिए। अच्छा हाँ बिल्कुल वैसी वाली। What rubbish, my lord. ये आदमी कुछ भी जबरदस्ती फेंके जा रहा है। My lord, this guy is cooking up a story. सोच कर बताइए, उसी आशी की बात कर रहे हैं आप? कुछ दिन पूर्व जिनकी मृत्यु हुई उसी आशी की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ऑर्डर पर पता भी सुकुमार जी के घर का लिखा है। अब पता नहीं ये खिचड़ी पका रहा है यहाँ इसकी मदद से, पाठक साहब ये खिचड़ी पका रहे हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। क्यों पाठक साहब? आपके प्रश्न का सीधा सीधा निवारण है, परिवार से पूछते हैं। आप लोग बताइए सुकुमार जी, मैडम जी, पता होगा आपको क्या आशी 13 सितंबर की शाम को घर पे थी, बाहर गई थी कहीं, क्या हुआ था? 13 सितंबर यानी शादी के 4 दिन बाद आशी घर से बाहर गई थी। विद्या वो तो तेरे साथ ही गई थी ना? जब साहब आशी ने मुझे बताया कि घर बैठे बैठे उसका मन नहीं लग रहा और इसीलिए शाम को मैं उसे गांव घुमाने ले गई, और ऐसे ही नहीं रत्ना से पूछकर। वो बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी भी बताया कि आशी उनके दुकान पर अकेली गई, तो जब आप आशी को लेकर गई थी तो आशी दुकान पर अकेली कैसे चली गई? हाँ वो थोड़ी देर घूमने के बाद आशी ने मुझसे कहा, मासी आप आगे चलिए मैं बाजारों के आ रही हूँ। तो अकेली जाएगी बाजार? तेरी सासू माँ मुझे मार डालेगी। अरे कुछ नहीं बोलेगी, आप फिक्र मत कीजिए मैं चली जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर लौट आई जज साहब। अभी प्रश्न ये उठता है विद्या जी कि आशी को उस चुनरी के बारे में पता कैसे चला? जज साहब मैंने उसे बताया, जब हम घूम रहे थे ना तब आशी ने मुझसे पूछा। आशी उस दिन सासू माँ आपको ताने क्यों मार रही थी, कि आपके घर कोई बहू नहीं आई? अरे आशी बेटा जाने देना, अब ये सब सुनकर तू क्या करेगी, छोड़। मासी बताइए ना, आपको मेरी कसम है। अच्छा बाबा आप बताती हूँ। और फिर मैंने उसे राधा की पूरी कहानी बताई, साथ साथ में चुनरी वाली बात भी बताई थी कि चुनरी पे राधा का नाम था, वो बांसुरी था, ये सारी बातें आपने बताई थी। हाँ मैंने उसे बताया कि मैंने बड़ी स्नेह से अपने बहू के लिए चुनरी बनवाई और उस पे उसका नाम भी लिखवाया, लेकिन जब साहब हमें अभिशाप मिला। योर ऑनर, मैं विद्या जी से कुछ पूछना चाहता हूँ, विद योर परमिशन। आइए। विद्या जी मुझे आपकी भावनाओं की कद्र है, बट प्लीज अंडरस्टैंड वी आर डीलिंग विद अ वेरी सेंसिटिव कोर्ट केस राइट। तो जज साहब वो शाखचुन्नी का जो मसला है मेरा ख्याल है वो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि ये चुनरी आशी ने खुद ही खरीदी थी। तो जब ये बात क्लियर हो जाती है कि ये चुनरी आशी ने खरीदी, तो एक और बात क्लियर हो जाती है कि इस हत्या के पीछे केवल एक व्यक्ति है, आपका क्लाइंट मिस्टर पाठक निशान। निशान जोग साहब, जोग साहब, जोग साहब, ऐसे ही आवश्यकता से अधिक उग्र हो रहे हैं। दिमाग ठंडा करिए और सोचिए कि आशी ने अंततः क्यों ये चुनरी बनवाना चाहा? अरे उसका मन क्या होगा? यही तो प्रश्न है कि क्यों उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि वैसी चुनरी बनानी चाहिए, क्योंकि योर ऑनर वो कहानी तो करोड़ों लोगों ने सुनी पर किसी ने आज तक वैसी ही चुनरी बनाने का सोचा नहीं, तो फिर आशी ने ही क्यों? ऑनर अपनी बात व्यक्त करने से पहले अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं सौम्य मित्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मित्रा साहब आशी के स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में संभवतः आपसे अधिक और कोई नहीं जानता होगा, आपसे जानना चाहता हूँ क्या कभी व्यवहार में आपने कुछ असामान्य अनुभव किया? मिस्टर पाठक, मित्रा साहब अदालत को पहले भी ये बता चुके हैं
कि मायके में कभी भी आशी के साथ ऐसी भूत प्रेत जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई। नहीं नहीं, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ जोग साहब, मैं घटनाओं की बात कर रहा हूँ। क्या आपको मित्रा साहब कभी कोई ऐसी घटना आशी के साथ घटी हो, या उसने कुछ कहा हो आपसे जो आपको एकदम अद्भुत लगा हो, विपरीत लगा हो, विचित्र लगा हो? एक बात है, आशी को बचपन से मैंने देखा। ये फ्रॉक तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं ना अपने बाबा से कहूंगी कि वो ना इस होली पे तुम्हारे जैसी फ्रॉक ले आए मेरे लिए। आशी बेटा, तुम किससे बात कर रही हो? पूछने पर बता दी थी कि उसकी कोई सहेली है। उस अनदेखे से बात करते हुए मैंने उसे शादी से पहले भी देखा था, पर उसकी सहेली को कभी नहीं देखा। मित्रा साहब, ये बताइए, आशी की माताजी का निधन कब हुआ? आशी तो सिर्फ 1.5 साल की ही थी जब ही उसकी माँ टीबी की बीमारी से चल बसी। योर ऑनर, पहले मेरे मन में संदेह था, किंतु अब वो संदेह विश्वास में बदल गया है। किस बात का विश्वास हो गया? विश्वास इस बात का जोग साहब कि आशी की हत्या किसी ने नहीं की है। योर ऑनर, आशी ने स्वयं की जान ली है। आत्महत्या, केस ऑफ सुसाइड। ऑर्डर ऑर्डर। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ किस बिना पर कह रहे हैं? योर ऑनर, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में एक रोग का उल्लेख, BDD, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसे बॉडी डिसमॉर्फिया भी कहते हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूं। इजाजत। योर ऑनर, जैसा कि आप देख रहे हो, इस रोग के चलते इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अधिक अकेलेपन, सुनेपन का आभास होता है। जैसा कि आशी के पिताजी ने हमें बताया, बहुत ही छोटी उम्र में आशी ने अपने माताजी को खो दिया। आशी के पिताजी दिन भर खेत में काम करते थे। योर ऑनर, अपनी मजदूरी कमाने के चक्कर में आशी के पास कोई नहीं था जिसे वो अपनी मन की बात बोल सके। इसी कारण आशी ने एक काल्पनिक सहेली बनाई, जैसा कि अक्सर PDD के रोगी करते हैं। योर ऑनर, और समय के साथ साथ वो काल्पनिक बात, वो काल्पनिक मित्र, वो काल्पनिक सहेली वास्तविकता में बदल जाता है। योर ऑनर, कल्पना और वास्तविकता के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है, रोगी उसी को सत्य मानने लगता है। योर ऑनर, विवाह के पश्चात जब आशी मायके से अपने ससुराल आई, अन्य लोगों के बीच, परिवार के बाकी सदस्यों के बीच, तो एक नए जीवन में आशी ने कदम रखा। योर ऑनर, और आशी की पुरानी सहेली जो काल्पनिक सहेली थी, वो वहीं मायके में छूट गई। योर ऑनर, जिसकी कमी आशी को महसूस होने लगी। और तभी विद्या जी ने आशी को राधा की कथा सुनाई, तो आशी को लगा कि क्यों ना राधा को ही नई सहेली बनानी चाहिए। इसी कारण योर ऑनर, बिल्कुल राधा जैसी चुनरी बनवाई आशी, ताकि वो राधा के साथ अपना संबंध जोड़ सके। योर ऑनर, जैसा कि हिंदुत्व में धारणा है कि मृत्यु के बाद लोग भूत प्रेत बन जाते हैं, संभव है कि आशी को इस बात का पता हो, और क्योंकि वो जानती थी कि राधा का देहांत हो चुका है, वो प्रेत इत्यादि बन गई होगी, और क्योंकि वो चाहती थी कि राधा उसकी सहेली बने, संभव है योर ऑनर, जैसे कि आम रूप से बॉडी डिसमॉर्फिया के रोगियों में होता है, वो राधा जैसा व्यवहार करने लगी हो, भूत प्रेत जैसा व्यवहार करने लगी हो। राधा, तू मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं यहाँ कितनी अकेली हूँ। चल, तू मेरे पास नहीं आती तो मैं ही तेरे पास आ जाती हूँ। तो यही दर्दनाक सत्य है आशी की मृत्यु का।
ऑर्डर ऑर्डर। ये भी अभी यही लग रहा है, बेकार में मैंने आशी के पति और उसके ससुराल वालों पर तंग किया। आपकी दलील से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ मिस्टर पाठक, और वो मिस्टीरियस लेडी जिसे दिशांत ने छत से कूदते हुए देखा था, और इसे तो कोई मानसिक रोग नहीं है, वो कौन थी? वो शाखचुन्नी राधा थी जसाब। नादान मुंबईया वकील आशी की मौत को आत्महत्या साबित कर रहा है, जबकि उसकी हत्या हुई शाखचुन्नी राधा के हाथों। और इस बात का क्या सबूत है आपके पास? जसाब, जब मैं फोन कर रहा था तो खुद शाखचुन्नी वहां प्रकट हुई थी। तुझे क्या लगा पापा? तू से बचा लेगा? मैंने आशी को मार डाला। योर ऑनर, इनकी बातों में कितना सत्य है और कितनी मिथ्या ये तो मुझे इस समय पता नहीं, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि एक शाखचुन्नी का विषय अभी भी मेरे लिए रहस्यपूर्ण है। योर ऑनर, आशी ने आत्महत्या की या फिर शाखचुन्नी से का गला घोटा गया, दोनों ही अवसर में मेरे मुखिल दिशांत का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये प्रकार से निर्दोष प्रमाणित होते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत या हत्या का गवाह ना होने के कारण दिशांत दत्ता को बरी किया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी आशी की मौत को अदालत अभी आत्महत्या का केस मानने से इनकार करती है। पुलिस को इस मामले में आगे सुराग मिलने पर इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। मिस्टर पाठक, आप मुझे मेरे चैम्बर में आकर मिलिए। दरअसल मैंने आपको इसलिए बुलाया मिस्टर पाठक कि मिस्टर जोक मेरे को एक सवाल पूछा तो उसका आंसर आई थॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन लाइक यू कैन। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जोक साहब ने कहीं ये तो नहीं पूछा कि आपने कभी अपना राइट हैंड अपनी लेफ्ट पॉकेट में और लेफ्ट हैंड अपनी राइट पॉकेट में डाला है हाथों को क्रॉस किए बिना? एग्जैक्टली। जोग साहब भी कैसे बच्चों की तरह बात कर, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड का प्रश्न है, इतना सरल उत्तर है। उत्तर ये है कि आपने दाहिना हाथ। पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक हाय हाय, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ, केडी पाठक वापस जाओ, वापस जाओ। अरे शांत हो जाइए, बोलिए क्या शिकायत है आपको? निशांत को छुड़वाकर आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है आशी के साथ, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देख क्या रहे हो, इसका भी वही हाल करो जो उस वकील का किया था, आ जाओ। हाय 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 जेल का खाना खाके कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। तू घबरा मत, अब तेरी बीवी के हाथ का खाना खाएगा ना तो तू मोटा हो जाएगा। बीवी? हाँ, अरे अपनी रोमा, उसकी छोटी बहन है ना साधना, उसके साथ हमने तेरी शादी तय कर दी है। माँ प्लीज, एक तो आशी की डेथ के बाद मैं शादी के मूड में बिल्कुल हूँ, और दूसरा अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ करिश्मा से। वो पंजाबन? अरे साधना हमारी जात की है और साथ में इतना दहेज भी। माँ प्लीज, ये सब बातें मेरे सामने मत करो, और अगर आप सबको पैसों में तोलना चाहती हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, करिश्मा अपने करोड़पति माँ बाप की इकलौती बेटी है, दहेज के नाम पे चाहे वो कुछ ना दे और देना भी नहीं चाहिए, कल को वो सारी संपत्ति किसकी होगी? एनीवेज, मुझे इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वरुण, क्या हाल है भाई? ऑल गुड। तुम लोग मुंबई वापस कब जा रहे? कल 9:30 बजे की फ्लाइट। 9:30? मैं भी उसी से जा रहा हूँ, फ्लाइट जेट जी। अरे तो एक काम करते हैं ना, एयरपोर्ट साथ ही चलते हैं। नहीं हाँ, आई मीन हमारे साथ केडी पाठक सर और मिस्टर बिलमौर्य भी होंगे। अरे दोस्त, जगह दिल में होनी चाहिए, गाड़ी में अपने आप बन जाती है। गाड़ी में इकट्ठे जाएंगे तो जरा टैक्सी का भाड़ा भी कम पड़ेगा। ठीक है, चल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, बाय। टैक्सी का भाड़ा भी बचेगा। ये क्या तुम पल पल अपना फैसला बदलती रहती हो? मैंने कह दिया ना कि एक पंजाबी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अजी आजकल जात पात के बारे में कौन सोचता है? और ये भी तो सोचिए ना कि अपना बेटा दिशान जितना करिश्मा के साथ खुश रहेगा उतना उस साधना के साथ नहीं। और मुझे ये नहीं पता था कि करिश्मा अपने बाप की इकलौती बेटी है।
उनकी करोड़ों की संपत्ति की होने वाली मालकिन। ओ, तो ये असली बात है। और इसीलिए तुम रोमा की बहन की शादी अपने बेटे के साथ कैंसिल करवाना चाहती हो। मैं तो सोच रही हूँ कि रोमा के पिता को आज ही फोन करके ना बोल दूंगी। शादी को भी तुमने व्यापार बना रखा है, जो तुम्हारे जी में आए वो करो। इतनी रात के कमरे के बाहर से आवाज कैसी? दरवाजा नहीं खोला और जब मास्टर किसी डोर ओपन किया तो देखा अंदर कोई नहीं था। और उनका सामान? हाँ सर, सामान वहीं पर था और उन्हें होटल का बिल भी नहीं भरा। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। थैंक यू। कौन? स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया, यही बात तेरे को अदालत में बोलना है, बुझली? जी सर। अरे बोस साहब, जोग साहब का कुछ पता चला? आइए आइए पाठक बाबू, प्रोसिक्यूटर का नहीं, आप अपनी चिंता करिए। करीब ने अभी भी कन्फेस कर दिया कि कोर्ट में उसने जो भी बोला था सब गलत था। चुनने का ऑर्डर आशी ने नहीं, आपके क्लाइंट निशांत ने दिया था। यानी निशांत फिर से अंदर। हेलो, हाँ अंकित, हाँ की वो चीज है बाबू, जो लठानिया मोड़ पे बेहोश पड़ा है। संभाल के लाइए। क्या हुआ जोग साहब, किसने किया आपने यहाँ? अस्पताल ले जाएं भाई, जल्दी संभाल। साहब, पिछली अदालत में मैंने झूठ बोला था, सच तो ये है कि वो चुनजी मुझे आशी जी ने बनाने को नहीं, निशांत जी ने बनाने को कहा था। निशांत जी ने मुझे पैसे का लालच देकर ये बगर 20,000 रुपये, और सुन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये काम करने को मैंने तुझसे कहा। तो ऑर्डर देने वाले में किसका नाम लिखूं? आशिका लिख दे, मेरी बीवी, किसी को तो ऊपर पहुंचाना है। सर ये झूठ बोला है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। माय लॉर्ड, झूठ करीब नहीं, झूठ बोल रहा है निशांत। सबूत के तौर पर ये रहे वो 20,000 रुपए।
जो निशांत ने करीम को दिए। हाँ साहब, यही पैसे थे, मैंने संभाल कर रखे, खर्च नहीं किए। तो सोचने वाली बात तो ये है करीम भाई कि आपने स्वयं माना कि पिछली सुनवाई में आपने अदालत में झूठ बोला था। हमें कैसे पता कि अब जो आप बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है? चलिए जो भी, अचानक आपका ये हृदय परिवर्तन हो गया, क्या कारण है इसके पीछे? साहब, वो मेरे सपने में आई थी। कौन? दीपिका पादुकोण? प्रियंका चोपड़ा? नहीं साहब, वो राधा की साक्षी। उसने मुझसे कहा कि वापस अदालत जाकर सच नहीं बोला तुमको मेरी बीबी को उठा लेगी। योर ऑनर, इसी से पता लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। राधा की शाकचुन्नी भला इनके सपने में क्यों आई? चलिए बताइए बताइए, सच क्या है? किसने पैसे दिए आप? मैंने बताया ना, दिशांत जी। दिशांत ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता मिस्टर पाठक? परिस्थिति को समझिए जोगसा, दिशांत तो पिछली अदालत में बरी हो गया था और फिर आपको वो दिखाई दी शाकचुन्नी, या शाकचुन्नी के भेस में कोई। अब ये सोचिए कि शाकचुन्नी के भेस में कोई महिला आपको भयभीत करने क्यों आई? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि ये शाकचुन्नी की धारणा जो है इससे व्यक्ति के अंदर भय पैदा होता है और इस भय के कारण सबसे अधिक लाभ जिसका होता है वो है होगा बाबा। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? जानकारी के अनुसार ये शाकचुन्नी के भय से गांव वालों ने जितने आम के पेड़ काटे वो सब आपको दक्षिणा में दे दिए और आपने आसनसोल की उस फर्नीचर कंपनी को वो सारा बेच दिया माल, बहुत सारा धन कमाया। केवल इतना ही नहीं, नव्य नवेली दुल्हन को जो आप शाकचुन्नी के प्रकोप से बचाते हैं उसका भी तो धन प्राप्त होता है आपको अच्छा खासा। अगर ये स्रोत बंद हो जाए तो कहाँ से आएगा आपका? मिस्टर पाठक, मैं आपकी बात समझ गया। यहाँ केस असली और नकली शाकचुन्नी का नहीं बल्कि आशी के कत्ल का चल रहा है। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि तांत्रिक भोगा बाबा ने आशी की हत्या की है? योर ऑनर, इस केस की आगे पुष्टि करने के लिए मैं दिशांत के बड़े भाई निशांत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। निशांत, जानकारी के अनुसार जो दुर्गापुर वाली जमीन है आपके पिताजी की, उनके कागजात पर आप जबरदस्ती आपके पिताजी से हस्ताक्षर लेने का प्रयास कर रहे थे, ठीक कह रहा हूँ? पर ये सवाल आप मुझसे यहाँ क्यों पूछ रहे? क्योंकि आपके भाई साहब पर हत्या का आरोप लगाया है, समय आ गया इस बात को सार्वजनिक करने का। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि आशी की हत्या का पहला संदेह दिशांत पर गया। अब सोचने वाली बात कि दिशांत को दंड होने से सबसे अधिक लाभ किसका होता? दिशांत का यह पूरी धन संपत्ति, पूरी जायदाद इनके नाम हो जाती जो ये बेचना चाह रहे, और छल से इन्होंने उस जमीन के कागजात पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर भी ले लिए। किंतु योर ऑनर, उसी समय दिशांत बरी हो इन्होंने एक और ही योजना बनाई, जा करके करीम को ये रुपए दिए अपने भाई को फंसाने के। और ऑनर, मैंने करीम को कोई पैसे नहीं दिए और ना ही आशी के मर्डर में मेरा कोई हाथ है। योर ऑनर, अनक की तबीयत कुछ खराब लग रही है। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि सुनवाई को यहीं स्थगित करके अगली तारीख दी जाए। कमाल है योर ऑनर, केस बिगड़ रहा है तो पाठक साहब की तबीयत भी खराब हो। एनीवेज, ऑलराइट मिस्टर पाठक, हम केस की बाकी की कार्रवाई कल करेंगे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। मैं समझा नहीं साहब, मैं झूठ? हाँ, मैं जान गया हूँ कि तुझे पैसे किसने दिए और क्यों दिए थे। अब उसकी आधी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी करीम। नहीं साहब। एशन, केडी पाठक है केडी पाठक, एक बार मुजरिम तक पहुंच गया ना
अंदर करके ही मानता है। ठीक बोला ना पाठक बाबू? गलती हो गई साहब, मुझे जेल मत भेजो साहब। ठीक है तो फिर तुम्हें वैसा करना पड़ेगा जैसे मैं कहूंगा। जी साहब। वो रत्ना माजी के कपड़े सिए थे वो देने आया था। मैं घर के पीछे खड़ा हूं, आप आ जाओ। मुझको और पैसा चाहिए। 20,000 जो तुमने दिया था वो मैंने पुलिस को दे दिया, अब 30,000 और चाहिए। हाँ तो दे दूंगी, अब जाओ यहाँ से। और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे शाखचुन्नी ने भेजा। मेरी कहानी मुझे ही सुनाओगे? कोई शाखचुन्नी वाखचुन्नी नहीं है, तो कोई है तो सिर्फ मैं, समझे? सही कहा तुमने, अगर शाखचुन्नी है तो वो तुम ही हो रोमा। रोमा जी बहुत दिन हुआ होगा आपके लिए जब आशी आपकी देवरानी बनकर आपके घर आई। कठिन क्यों? वो तो हमारे लिए हमारी छोटी बहन जैसी थी। यही तो कष्ट है रोमा जी कि आशी आपकी बहन जैसी थी, आपकी छोटी बहन थी नहीं। योर इन नोटों में से अचार की बू आ रही और इन पर सरसों का तेल भी लगा हुआ है। इनकी सास रत्ना भी तो, इन्हें तो पत्तों के तेल से एलर्जी। पत्तों का तेल तो आप लगाती हैं रोमन, और बाकी का कार्य मेरे लिए करीम साहब ने ही कर दिया। और ये अपनी देवरानी का कत्ल क्यों करेंगे? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि रोमा जी नहीं चाहती थी कि आशी इनकी देवरानी बनकर घर में आए। योर ऑनर जो ये चाह रही थी वैसा हो नहीं रहा था, तो साधना को लाने की इनका आशी को रास्ते से हटाना आवश्यक था, जो आपने किया। मुझे आशी की जहनी हालत के बारे में पहले से ही पता था और इसलिए मैंने उसे बढ़ावा दिया। मैं हर रोज उसके दूध में जड़ी बूटी मिलाती थी। तो वो पागलों जैसी हरकतें करे और उसकी हालत और खराब हो। ये अजीब अजीब हरकतें देख के सब लोगों को लगा कि वो पागल हो गई है और उसमें भूत आ गया है। वो खुद ही मानने लग गई वो राधा बन चुकी है। हाँ, और ये राधा का खेल खेलने के बाद में जब सब लोगों को आशी के व्यवहार से चिंता होने लगी तब आपने अपने हुक्म का इक्का फेंका, राधा की चुनरी से उसका गला घोटा। तो क्या फर्क पड़ता है हा? कि आशी को उस शाखचुन्नी ने किया या उसने आत्महत्या की? वैसे भी उस लड़की में इस दिशांत को तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, कभी कोई रुचि नहीं थी, उसका मरना ही सही था। तो योर ऑनर इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है।
रोमा ने अपनी देवरानी आशी की हत्या तो की, किंतु ये चाहती थी कि इनकी बहन, छोटी बहन साधना का ब्याह दिशांत से हो, तो ये नहीं चाहती कि इस आरोप दिशांत को दंड हो। माँ जी ने मुझे वचन दिया था, वो मेरी छोटी बहन साधना की शादी इस दिशांत से करेंगी। माँ जी, वो मेरी छोटी बहन है ना साधना, वो तो मुझसे अच्छे पैर दबाती है, और आप ही ने तो कहा है कि वो अब आपकी छोटी। मैंने जो कुछ भी कहा था ना वो सब भूल जा, अब दिशांत की शादी आशी से तय होगी। पर उन्होंने अपना वचन एक बार नहीं बल्कि दो बार तोड़ा। मैं तो सोच रही हूँ कि रोमा के पिता को आज ही फोन करके ना बोल दूंगी। माजी ने फिर से साधना, मतलब मेरी छोटी बहन के साथ इस दिशांत का रिश्ता तोड़ दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं उसे फिर से फंसाऊंगी। और मैंने करीम को पैसे दिए कि गवाही बदलने के लिए, ताकि दिशांत फंसे, मेरा मकसद कामयाब हो। एक मिनट माय लॉर्ड, मुझे भी कुछ पूछना है। वो जो शाखचुनी मुझे मिली थी वो क्या थी? उत्तर दीजिए जोग साहब के पास में था। मैं बस आपको डरा के रोकना चाहती थी ताकि ये केस आगे बढ़े, ताकि इस दिशा को सजा हो। डिफेंस रेस्टोरेंट, अदालत दिशांत दत्ता को बाइज्जत बरी करती है और टेलर करीम और रोमा दत्ता को तुरंत हिरासत में लिए जाने का आदेश देती है। इनका फैसला अगली अदालत करे। केस इज क्लोज। अरे आप कहाँ चले? क्यों? अरे आपने वो पहेली पूछी थी ना, कौन सी पहेली? वो राइट हैंड लेफ्ट पॉकेट में और लेफ्ट हैंड राइट पॉकेट में हाथों को क्रॉस किए बिना, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो फिर आपने पूछा क्यों था? अब जोग साहब, क्या है कि जब कोई नन्ना बालक आपको इरिटेट करे तो उसे ऐसी उलझन में व्यस्त कर देना चाहिए जिससे वो बाहर निकल ना पाए और आप अपना कार्य कर सके। प्रणाम करता हूँ आपको और आपको भी।